बीते साल 15 दिसंबर को एएमयू में की गई पुलिस कार्रवाई के बाद बीते बुधवार को ब्लैक डे मनाया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी की, साथ ही मांगे नहीं माने जाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी छात्रों के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। मार्च निकाल के क्या है? कैंडल मार्च है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्लैक डे। आज तकरीबन एक महीना हो गया और हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हैं, उन्हें अपने बच्चों की ना तो फिक्र थी, ना उनके लिए हमदर्दी थी और ना उनका ख्याल था। तो उनके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला कि बीसी को कम से कम शर्म आनी चाहिए और शर्म आके वो अपना रिजर्वेशन दें हम लोगों के हाथ में और कहें फिर हमारे साथ बैठ के कि हिंदुस्तान की जो भी लड़ाई है, आपके संविधान की लड़ाई है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और वाइस चांसलर अगर अब भी शर्म नहीं करते एक महीने बाद भी, तो हम कहते हैं कि आपकी ये डूबने वाली बात है। और वहीं छात्रों ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून NRC और छात्रों की बर्बरता के विरुद्ध हमने काले झंडे और मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालने के साथ आज ब्लैक डे के रूप में मनाया है। सरकार अगर दमनकारी नीति से हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहती है तो ऐसा करना संभव नहीं है। हम इस लड़ाई को हर हालत में लड़ाएंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हर गली जहां से बीजेपी का वोट नहीं आता, हर शख्स जो इस हुकूमत का मुखालिफ है, उसकी छटाई होगी। गौर हो कि 15 दिसंबर को हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस मार्च में जैसे कि 15th ऑफ दिसंबर को जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, आज उसको 1 month हो चुका है। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हम कंडेम करते हैं उस पुलिस ब्रुटैलिटी को जो स्टूडेंट्स के साथ हुई थी, और जो हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने, ऑफिसर्स ने स्टूडेंट्स के साथ इतनी बर्बरता से ये सब चीज़ें करी थी, किसी का हाथ एम्पिटेट हो चुका है, हमारे साथ ताज़ीन भी हैं जिनके हाथ में चोट लगी थी, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिटेन करा और आपने उनको बिल्कुल स्ट्रिप डाउन करके उनको मारा, हम उस हर एक चीज़ को कंडेम करते हैं। और क्योंकि 1 month हो चुका है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, और NRC और CA को भी हम कंडेम करते हैं क्योंकि ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी। तो ये बस वही एक मार्च है, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं हम कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे, आप वेकेट करा देंगे हमारे हॉस्टल्स, या फिर अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगर लंबा बिल्कुल खींच देगी तो हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आप 2 महीना खींच दो, पूरा साल खींच दो, हम लड़ेंगे। वहीं बीते दिन भी AMU प्रशासन ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर FIR भी दर्ज करने की बात कही थी। वहीं CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग के आगे झुक गया। AMU ने परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा कर दी। AMU के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम परिजादा ने बुधवार को विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाएं स्थगित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज़।